Hello everyone, in this video I am going to explain you the bookwork and question answers of poem Clouds and Waves by Rabindranath Tagore. Let's get started with the choose the correct options. First one is Dash are calling the speaker to play with them. Kaun speaker ko unke saath khelne ke liye bula rahe hain? So it's option A, the stars and the clouds, tare aur badal. Second, the clouds play, badal khelte hain. It's option C, from the morning till the day ends. सुबह से लेकर दिन खत्म होने तक. नेक्स्ट इज द क्लाउड्स डैश एंड फ्लोट अवे आफ्टर लिसनिंग टू द स्पीकर. स्पीकर की बात सुनकर बादल क्या करते हैं और उड़ जाते हैं. सो इट्स ऑप्शन बी, स्माइल, यानी मुस्कुराते हैं और उड़ जाते हैं. नेक्स्ट, द वेव्स आस्क द स्पीकर टू कम टू द, लहरें स्पीकर को आने के लिए कहती हैं कहाँ पे. सो इट्स ऑप्शन ए, एज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के किनारे. नेक्स्ट, द स्पीकर सीन्स टू, स्पीकर को लगता है, इट्स ऑप्शन बी, लव हिज मदर वेरी मच, कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है. नेक्स्ट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट वन इज, वी प्ले फ्रॉम द टाइम वी वेक टिल द डे एंड्स, वी प्ले विद द गोल्डन डॉन, वी प्ले विद द सिल्वर मून. हम सुबह उठने से लेकर दिन खत्म होने तक खेलते हैं. हम सुनहरे सवेरे से खेलते हैं, हम चांदी के चांद से खेलते हैं. क्वेश्चन ए, हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू हूम, ये शब्द किसने किसको कहे. The clouds say this to the poet. बादल कवि से ऐसा कहते हैं. B, why did the speakers say so? Speakers ने ऐसा क्यों बोला. The clouds want the poet to come and play with them. बादल चाहते थे कि कवि आए और उनके साथ खेलें. Reference 2, but how am I to get up to you? लेकिन मैं आपके पास कैसे पहुंचूं? A, who said these words and to whom? ये शब्द किसने किसको कहे. The poet says this to the clouds. कवि ये बात बादलों से कहते हैं. B, what answer did the listener give to the question? Listener ने यानी सुनने वाले ने इस question का क्या answer दिया. The poet tells the clouds that his mother is waiting for him and he cannot leave her and come. कवि बादलों से ऐसा कहता है क्योंकि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है और वो उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता. Reference 3, we sing from morning till night, on and on we travel and know not where we pass. हम सुबह से रात तक गाते रहते हैं, हम ट्रेवल करते रहते हैं और हम ये नहीं जानते कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं. A, who sang from the morning till night? कौन सुबह से शाम तक गाता है? So the answer is, the fox who live in the waves sing from morning till night. लहरों में रहने वाले लोग सुबह से रात तक गाते हैं. B, why didn't the speakers know where they pass? स्पीकर्स को ये क्यों नहीं पता चला कि वो कहाँ से गुजरते हैं. Answer, the waves of the sea do not know where they will pass as the sea travels an unknown path. समुद्र की लहरें नहीं जानती कि वो कहाँ से गुजरेंगी क्योंकि समुद्र एक अननोन जगह पर चलता है. Reference 4, how can I leave her and go? मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? A, who do I and her refer to in these lines? इस लाइन में मैं और उन्हें किसे रेफर करता है? So the answer is, I refers to the poet and her refers to his mother. I पॉइंट को रेफर करता है और हर उसकी मदर को रेफर करता है. बी, वाई कुडंट द स्पीकर लीव हर, स्पीकर उन्हें क्यों छोड़ नहीं सका. ही कुडंट लीव हर बिकॉज शी वेटेड फॉर हिम एवरी इवनिंग टू कम बैक होम, वो उन्हें छोड़ नहीं सका क्योंकि वो हर शाम उसके घर वापस आने का इंतजार करती थी. नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर, सोचो जवाब दो. डू यू थिंक द स्पीकर इन दिस पोयम इज इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्या आपको लगता है कि इस पोयम के स्पीकर इमेजिनेटिव और क्रिएटिव हैं? अपने आंसर का कारण बताएं. आंसर, द पोएट इज क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव एज ही इमेजिन्स द क्लाउड्स एंड द वेव्स कॉलिंग हिम. इनफैक्ट क्लाउड्स कैन नॉट कॉल एनीबॉडी बट ही इमेजिन्स दे डू सो. स्पीकर इमेजिनेटिव और क्रिएटिव हैं क्योंकि वो इमेजिन कर रहे हैं कि बादल और लहरें उन्हें बुला रही हैं. रियलिटी में बादल किसी को नहीं बुला सकते लेकिन वो इमेजिन करते हैं कि वो ऐसा करते हैं, यानी बादल और लहरें उन्हें बुला रही हैं. क्वेश्चन 2, द स्पीकर रिफ्यूजेस टू प्ले विद द क्लाउड्स एंड द वेव्स सो इट कुड बी विद इट्स मदर, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द स्पीकर. स्पीकर बादलों और लहरों के साथ खेलने से इनकार करते हैं क्योंकि वो अपनी माँ के साथ खेल सकें. ये हमें स्पीकर के बारे में क्या बताते हैं? दिस शोज अस दैट द पॉइट रियली लव्स हिज मदर एंड डज नॉट वॉन्ट टू लीव हर अलोन. ही नोज दैट शी वेट्स फॉर हिम टू कम होम एवरी इवनिंग एंड ही वुड नॉट अबंडन हर बाई गोइंग अवे विद द क्लाउड्स और द वेव्स. इसे पता चलता है कि स्पीकर रियलिटी में अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता. वो जानता है कि वो हर शाम उसके घर आने का इंतजार करती हैं और वह बादलों लहरों के साथ दूर जाकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा.
Next is discuss. The speaker loves his mother very much. What would you do to show your love to your mother? Discuss in class. स्पीकर अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, आप अपनी माँ के प्रति अपना प्यार जताने के लिए क्या करेंगे? क्लास में डिस्कस करें। तो बच्चे अपने माँ के प्रति प्यार जताते हुए ये कह सकते हैं कि घर के काम में माँ की मदद करके, जब वो बीमार हैं उनकी देखभाल करके, जिम्मेदार बनके, सम्मानजनक यानी रिस्पेक्टफुल और विनम्र यानी पोलाइट बनकर और ऑबिटेंट यानी आज्ञाकारी बनकर आप अपनी माँ के प्रति प्यार जता सकते हैं। नेक्स्ट इज एप्रिसिएशन। पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज़ होती हैं जो नॉन ह्यूमन थिंग्स को डिस्क्राइब करती हैं। ये पर्सोनिफिकेशन ज़्यादातर राइटर्स द्वारा यूज़ की जाती हैं लैंग्वेज को अपीलिंग और मोर डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए। ए इज़ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम क्लाउड्स एंड वेव्स। एक एग्जाम्पल दीजिए पर्सोनिफिकेशन की पोएम से, जो कि पोएम है क्लाउड्स एंड वेव्स। एक्सप्लेन इट्स मीनिंग और उसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करिए। सो द क्लाउड्स आर पर्सोनिफाइड। जो क्लाउड्स हैं उन्हें पर्सोनिफाइड किया गया है यानी नॉन ह्यूमन थिंग्स से डिस्क्राइब किया गया है। द पोएट सेज दैट दे कॉल हिम टू प्ले विद देम। यहाँ पे देम आएगा, दे नहीं। तो पोएट कहते हैं कि वो क्लाउड्स और वेव्स उन्हें बुला रही हैं उनके साथ खेलने के लिए। बी आइडेंटिफाई पर्सोनिफिकेशन इन दिस स्टांजा। इस स्टांजा में पर्सोनिफिकेशन को आइडेंटिफाई करें। हैव यू गॉट अ ब्रोक इन योर लिटिल हार्ट। क्या आपके छोटे से दिल में एक झरना है? वेयर बैशफुल फ्लावर्स ब्लो, जहाँ शर्मीले फूल खिलते हैं। एंड ब्लशिंग बर्ड्स गो डाउन टू ड्रिंक, और शर्माते हुए पक्षी पानी पीने के लिए नीचे जाते हैं। एंड शेडोज ट्रेम्बल सो, और छाएं यानी शेडोज कांपती हैं। सो तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है शेडोज ट्रेम्बल। नेक्स्ट इज एक्टिविटी सेलिब्रेटिंग क्रॉस करिकुलर कनेक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द स्काई एंड वेव्स इन द सी। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में बादल कैसे बनते हैं और समुद्र में लहरें कैसे बनती हैं? फाइंड आउट मोर ऑन द साइंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड वेव्स। बादलों और लहरों के फॉर्मेशन के पीछे के साइंस के बारे में और जानें। यू मे सर्च ऑन द इंटरनेट और लुक अप बुक्स इन द लाइब्रेरी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप इंटरनेट पर खोज सकते हैं या फिर लाइब्रेरी में बुक से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन टू शेयर योर फाइंडिंग्स विद द क्लास। अपनी फाइंडिंग्स यानी खोज को क्लास के साथ शेयर करने के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करें। होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्लेलिस्ट क्लास 5th इंग्लिश फॉर मोर सच टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बुक। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।